ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जिसकी हम सभी को ज़रूरत है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सभी को इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आज हम बताएंगे कि हमारे शरीर के दो अंग, अगर जैसे हम उनकी अगर उनकी थोड़ी सी मालिश कर लेते हैं बिस्तर पे जाने से पहले, रात को सोने से पहले, तो हमारी कितनी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं। और स्पेशली अगर मैं लेडीज़ की बात करूं तो देखो, लेडीज़ में क्या होता है, घर की और ऑफिस की दोनों की दोहरी जिम्मेदारी होती है, जिसको निभाते निभाते कई बार वे बहुत थक जाती हैं और ख़ुद की देखभाल के लिए समय नहीं मिल पाता। तो अगर आप भी उनमें से एक ऐसी महिलाओं में से एक हैं तो आप परेशान ना हों। सिर्फ 5 मिनट पहले अपने लिए कुछ टाइम निकालिए, 5 मिनट का, रात में सोने से पहले। जैसे कि हम क्या करते हैं, अगर हम अपने चेहरे की तो देखभाल करते हैं, हम उसमें क्रीम भी लगाते हैं, फेस वॉश भी करते हैं और सनस्क्रीन भी लगाते हैं, सब कुछ जो भी हमें करना होता है वो हम करते हैं, लेकिन हम अपने पैरों को अक्सर भूल जाते हैं, जिस पर हम सब पूरा दिन खड़े रहते हैं, हम उसका ध्यान नहीं दे पाते। और जबकि हमें पता है कि पैरों के विभिन्न पॉइंट से अलग अलग हमारे अंग जुड़े हुए होते हैं, अगर हम इन पॉइंट्स की रात में सोने से पहले मालिश कर लेते हैं तो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, हमारे मतलब स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप देखो क्या क्या फ़ायदे होते हैं, रात में सोने से पहले अगर हम तलवों की थोड़ी मालिश कर लें, हम सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, गोले का तेल भी कर सकते हैं, बादाम का भी यूज़ कर सकते हैं, तो उससे हमारी आँखों की रोशनी तेज होगी, हमें नींद भी अच्छी आएगी, साथ साथ ही शरीर को स्वस्थ और मजबूत भी बना रहता है। इसके अलावा हर रोज़ दूसरी महिला अपने मतलब एक हर दूसरी महिला क्या हो गई, अपने बढ़ते हुए वजन को लेकर के परेशान है। ऐसे में अगर हम रात में मालिश करते हैं पैरों की तो वो क्या होता है, उसमें फैट के साथ साथ उनका वजन भी कम होने लगता है और मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होता है। अगर हम 5 से 10 मिनट की मालिश कर लेते हैं तो हमारे को क्या होता है, पूरी ताजगी भी मिलती है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, फिर बीपी भी कंट्रोल होता है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं तो अगर वो रात में सोने से पहले नारियल या बादाम के तेल की मालिश करते हैं, तो जो प्योर तेल होता है उसकी मालिश करते हैं, तो हमारे शरीर के लिए ना बहुत ही अच्छा होता है और हमारे को इतने सारे फ़ायदे मिलते हैं। साथ साथ देखो, ये तो हमने एक अपने अंग की बात करी, अब दूसरा होता है हमारी जो नाभि यानी नेवल पॉइंट जो होता है, वो भी हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो अगर हम वहाँ पर भी जैसे अपने कोई भी तेल ले लिया, सरसों का तेल, नारियल का तेल, बादाम का तेल, उसको वहाँ पर लगाया, तो जैसे होंठ फटने की जो समस्या होती है ना, उससे हम दूर रहते हैं। और जैसे कि क्या होता है कि हमारी कई बार क्या होती है, स्किन बहुत ड्राई होने लगती है, तो स्किन भी सॉफ्ट होती है, हमारी पाचन से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है वो भी हमारी दूर हो जाती है। इसके अलावा हमारी आँखों में जलन होती है, खुजली है, सूखापन है ना, तो वो सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। और जैसे स्किन बड़ी बेजान सी दिखती है तो वो भी नहीं होती। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे हम क्रीम की मालिश ना करके हमें किसी ना किसी तेल की मालिश करनी चाहिए, और जो हमारा नेवल पॉइंट होता है, नाभि के आसपास का हिस्सा, वहाँ पर हमें अच्छे से वो तेल लगाना चाहिए। अब देखते हैं, अगर हम जैसे हम सपोज़ सरसों का तेल ही लगाते हैं, तो सरसों के तेल में देखो कितने फ़ायदे होते हैं कि जैसे उसमें विटामिन ई से भरपूर होता है और हमारे शरीर को तो मतलब पोषण तत्व मिलता है, हमारे को शरीर में कसाव आता है, तो और हमारी स्किन जो होती है वो सॉफ्ट बनी रहती है। सरसों के तेल में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल गुण भी होते हैं जो हमारे को जैसे कई बार संक्रमण से बचाते हैं, रैशेज से बचाते हैं, और जो नुकसानदायक टॉक्सिन्स होते हैं ना, उन्हें शरीर से बाहर निकालते हैं। तो अगर हम डेली इस तरह से मसाज करते हैं अपने शरीर की, हम किसी भी तेल से लेकर के, तो हमारे लिए बहुत ही वो हेल्पफुल होता है हमारी हेल्थ के लेकर के, हमें कोई समस्या नहीं आती। ऐसे बहुत सारे बुज़ुर्ग हैं जिसका हमने लाइफ एग्जांपल देखा है कि जिन्होंने इस तरह से अगर अपना रूटीन रखा है, सिर्फ 5 मिनट निकालें अपने लिए, तो उनका जो है उन्हें कोई समस्या नहीं आई, मतलब अंत तक उन्हें कोई समस्या नहीं आई। तो अगर साथियों आप भी अगर इस तरह से करते हैं तो आप विश्वास मानिए, आपके लिए भी फ़ायदा होगा। और अगर आपको ये मेरी जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल है नेचर टॉक बाय अपूर्वा वशिष्ठ। धन्यवाद साथियों।